फ्लोटेशन इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग विद अ स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन स्ट्रॉन्ग स्टील. अगर आपका जो बैग है, बैग का जो स्ट्रैप है बहुत पतला पतला स्ट्रैप होगा, तो आपको इतना भारी बैग होता है आपका, उठाने में आसानी होगी कि तकलीफ होगी? तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि हमारे शोल्डर्स पे निशान पड़ जाएंगे, है ना? तो हमारे बैग में स्ट्रैप्स कैसे होने चाहिए? अच्छे चौड़े चौड़े स्ट्रैप्स होने चाहिए. चौड़े स्ट्रैप्स होने से क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा. सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है? आपको मालूम है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना कम प्रेशर, ठीक है? फोर्स एग्जर्टेड बाय द थिन स्ट्रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लेस एरिया. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता तो वो पूरा जो फोर्स है बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन वो तो बहुत कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इससे क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ जाएगा तो इट विल बी पेनफुल. क्यों? वही जो हमने यहाँ पर लिखा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है? तो प्रेशर इंक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस. एरिया आपका क्या हो गया? सरफेस एरिया डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है? इसलिए हमारे स्कूल बैग्स में स्ट्रैप्स कैसे होने चाहिए? चौड़े, सरफेस एरिया ज्यादा, प्लस उसमें सॉफ्ट भी होने चाहिए. इस पर स्पॉन्ज डाल देते हैं ताकि सॉफ्ट भी रहे आपको. क्या क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है सबको? What do you mean by buoyancy? हर लिक्विड फ्लूइड जो होता है वो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करता है. लिक्विड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है. अपवर्ड थ्रस्ट इज कॉल्ड बॉयंसी. Why does object float or sink? Simply हम कंपेयर करेंगे किससे? Density of water. डेंसिटी ऑफ वाटर दो चीज होती है, एक होती है ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा होता है 1000 kg per meter cube. तो अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा. कंपेयर किससे करेंगे? वाटर की डेंसिटी. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब है तो 1000 होना चाहिए. बोल रहा है आपका मास है 42 kg वेइंग मशीन पर. इज योर मास मोर और लेस देन 42? देखिए ये तो मास है, मास रिमेन सेम है ना. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इनर्शिया इट रिमेन सेम, ठीक है? वेट अगर बोलते हैं ना तो वेट इज, व्हाट इज वेट? वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां वेट नहीं दिया, यहां मास दिया है. तो मास अगर 42 केजी दिया, वैसे भी केजी यूनिट मास का ही होता है ना. वेट होता तो उसका यूनिट न्यूटन होता, वेट इज फोर्स. तो ये क्या है? मास, मास हमेशा सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन दोनों 100 kg. ध्यान से देखना, दोनों 100 kg है. आपने वेट किया मशीन में, दोनों 100 kg दिखा रहा है. कैन यू से विच वन इज हैवियर? उठाने में मुश्किल किसको जाएगी? बेसिकली मास दोनों का सेम है, मास दोनों का 100 kg है. मैं पूछूंगा कौन सा हैवी है, कौन किसका मास ज्यादा, दोनों बराबर है. लेकिन क्या चीज डिफरेंस है दोनों में? वॉल्यूम. भाई अगर 100 kg कॉटन लोगे तो इतना आएगा, 100 kg कॉटन, और 100 kg आयरन लोगे तो हो सकता है इतना ही आए. इतना कम क्यों आ रहा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है. और कॉटन की डेंसिटी कितना, इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, उसका वॉल्यूम ज्यादा. देखिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब मुझे बताओ इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम?
दोनों का देखो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताओ डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? कॉटन का, है ना, कॉटन तो इतना 100 kg मतलब बहुत बड़ा बल्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कैरी करने के लिए, अगर बोलेगा कैरी करने में कौन सा इजी है, तो कैरी करने में कॉटन इजी है, ठीक है। और मास दोनों का सेम है, याद रखना मास सेम है। मास दोनों का, अगर मैं बोलूंगा मास तो दोनों का सेम। मैं बोलूंगा डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी आयरन की ज्यादा है। मैं पूछूंगा वॉल्यूम किसका ज्यादा है, आप बोलेंगे कॉटन का। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा होने से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो ये कैरी करना इजी होगा और आयरन विल बी हैवियर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। बॉयंस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए हमने एक लिक्विड है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, तो बॉयंस फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, और बॉयंस फोर्स लगाएगा ऑपोजिट ऊपर की तरफ, ओके। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप, ऊपर क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ द बॉयंस फोर्स, फोर्स तो ऊपर लगा रहा था, लेकिन स्टोन ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी डेंसिटी, डेंसिटी वाटर से कम थी, डेंसिटी वाटर से कम थी तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा, उसको ऊपर फेंक देगा। स्टोन, स्टोन में भी क्या लग रहा है? बॉयंस फोर्स, लेकिन क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वो डूब जाएगा। बॉयंस फोर्स लग रहा है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा तो उसका उसका वेट है, ठीक है। तो प्लास्टिक ब्लॉक इज ग्रेटर फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो बॉयंस फोर्स लग रहा है प्लास्टिक पे, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लास्टिक। प्लास्टिक जितना फोर्स नहीं लगा रहा उससे कहीं ज्यादा फोर्स, बॉयंस फोर्स लग रहा है, इसलिए वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी, प्लास्टिक की डेंसिटी बहुत कम है। देखिए न्यूमेरिकल आ गया, वॉल्यूम है 50 ग्राम, सॉरी मास है 50, वॉल्यूम है 20 cm³। पूछ रहा है कि फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। देखिए ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो आपको याद है, ध्यान रखना। हमें बोला है कि एक सब्सटेंस है जिसका मास है 50 ग्राम, उसका वॉल्यूम है 20 cm³, बताओ कि वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे डेंसिटी, डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 50, वॉल्यूम कितना है 20, ये हो गया 5/2, 2.5, 2.5 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, वाटर की तो 1 होती है, ये तो 2.5 है, वाटर से बहुत ज्यादा है। सिंस द डेंसिटी इज मोर देन वाटर इट विल सिंक। बस ये जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्यूशन है मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक और देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 500 ग्राम, उसका वॉल्यूम है 350 cm³, बोल रहा है कि वो फ्लोट करेगा कि सिंक। हम क्या करेंगे? डेंसिटी, डेंसिटी क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना? 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना? 350। आप इसको डिवाइड कर देना, दो बार भी नहीं कटेगा, 1 point something आएगा, ठीक है, 1.428 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी आ गई। वाटर से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है, वाटर की तो 1 होती है, 1 से ज्यादा है ना, तो क्या होगा? इट विल सिंक, खत्म। 1 से कम होगी तो फ्लोट, 1 से ज्यादा होगी तो सिंक। क्यों?
क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर दिया है, केजी वाला दिया होता तो 1000 से कंपेयर करते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वाटर की प्योरिटी किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर। कॉर्क जो है और नेल, कॉर्क फ्लोट करता है, नेल सिंक कर जाता है, कॉर्क की जो डेंसिटी है वो कम है। और ये जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है, बोलता है डेंसिटी आयरन की लेस है, नहीं ये रॉन्ग है, डेंसिटी जो है वो कॉर्क की लेस है वाटर से, इसलिए वो फ्लोट करती है। रिलेटिव डेंसिटी, देखिए ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, शॉर्ट में यहां समझा देता हूं। डेंसिटी तो आप सबको पता है, एक चीज होता है रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, तो सिल्वर की वेट है 10800 kg per meter cube, ये उसका डेंसिटी है किसकी, सिल्वर की। और वाटर की कितनी है 1000, 3 जीरो कट गया है, 2 जीरो कटेगा, 1 डेसिमल लग जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी 10.8, रिलेटिव का मतलब है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो ये सिल्वर वाटर से 10.8 टाइम्स भारी है। बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी क्या है 10.8, सिल्वर वाटर से 10.8 टाइम्स भारी है, वाटर की डेंसिटी तो 1000 होती है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सिल्वर के लिए आप यहाँ रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, 10.8 इनटू 1000, ठीक है ना, केजी, ये रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा एक और चीज है, हमने क्या निकाला है, हमने डेंसिटी निकाल ली है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो सी तो 1.8 है, ये तो 10.8 होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 का आंसर 2 दिया है, इसको आप केजी पर मीटर क्यूब कर लीजिए, ऑप्शन जो है बेस्ट यही आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट्स, फोर्स अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग होता है कि सेम होता है? डिफरेंट होता है, जितना ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, बॉयंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बॉयंस फोर्स ज्यादा होगा। ए लिक्विड है डेंस और बी से ज्यादा डेंस है, तो बोलता है बॉयंस फोर्स क्या होगा, ए का ज्यादा कि बी का ज्यादा? ए का ज्यादा, अभी तो हमने बोला जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका बॉयंस फोर्स ज्यादा होता है, तो ए की डेंसिटी ज्यादा है तो उस ए का बॉयंस फोर्स ज्यादा होगा, बस खत्म। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एसआई यूनिट थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स है ना, जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। व्हाट इज थ्रस्ट? फोर्स एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। सी वाटर में तैरना आसान है, ठीक है, सी वाटर में तैरना, समुद्र में तैरना आसान है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट होने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ने से अब थ्रस्ट जो बॉयंस फोर्स बढ़ जाता है, बॉयंस फोर्स बढ़ जाता है तो तैरना आसान हो जाता है। ट्रक के वाइड टायर्स क्यों होते हैं? वाइड टायर्स होने से सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो चल रहा है रोड पे तो टायर रोड में धसेंगे नहीं। शार्प नाइफ शार्प क्यों होती है? सरफेस एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डैम की जो वॉल्स हैं, डैम बनाते हैं ना ऐसी ऐसी बनाते हैं वॉल्स, नीचे से बहुत चौड़ी, क्योंकि आपको मालूम है लिक्विड में
जितनी ज्यादा गहराई पे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ जाता है, P1, P2, P3, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन, जितनी ज्यादा गहराई पे जाओगे, मान लीजिए एक कोई आदमी है जो ए पे है, उसके ऊपर उसके सर के ऊपर इतना पानी, अगर आप बी पे पहुंच गए तो समझ लीजिए आपके ऊपर इतना पानी, जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ज्यादा वाटर का वेट आपके ऊपर रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, डैम टूट सकता है, नीचे बेस को चौड़ा किया जाता है बॉटम, ठीक है। नेल्स पॉइंटेड क्यों होती है, सरफेस एरिया कम प्रेशर ज्यादा, ताकि आसानी से वो घुस पाए कपड़े के में डाल लें, समझ लीजिए, या हम खीले हैं गड़ाना है तो आसानी से गड़ जाए। स्विमिंग करते वक्त आपको हल्का क्यों महसूस होता है, क्योंकि बॉयंस फोर्स आपको ऊपर देखता है ना, ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स, बॉयंस फोर्स, द स्विमर फील्स लाइटर। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब भी होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, जिसमें हमें चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के कंपैरिजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिल्वर की डेंसिटी है 10800 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब बड़ा, 1 मीटर क्यूब, समझ रहे हैं, एक क्यूब बनाया आपने जिसके साइड्स 1 मीटर है, लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर, इतने सिल्वर का मास होगा 10800 केजी, और इतने पानी का मास होता है 1000। तो हम जब रिलेटिव बोलते हैं तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, वाटर से, तो वाटर से 120 ये कट गया, एक जीरो काटोगे डेसिमल 10.8, इसका मतलब होता है ये वाटर से 10.8 टाइम्स हैवी है। रिलेटिव का मतलब रेशियो, रेशियो किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं बस।